वहीं पानीपत में एक आशा वर्कर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। आशा वर्कर कविता को 4 फरवरी से कोरोना वैक्सीन लगी थी। 4 फरवरी को कोरोना वैक्सीन लगने के बाद से ही तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि वैक्सीन के रिएक्शन से ही कविता की मौत हुई है। पहले बुखार और फिर पेट में दर्द और इसके बाद उल्टियाँ। एक निजी अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। पानीपत में एक आशा वर्कर की संदिग्ध मौत हो गई। उसे 4 फरवरी को ही कोरोना वैक्सीन दी गई थी। ये वो बातें हैं जो परिवार के लोगों ने उसकी मौत के बाद बताई। टीका लगवाने के बाद इसको बुखार हो गया, 2 दिन तक बुखार रहा, फिर यहाँ से 3 दिन पहले यहाँ इसमें अगरसेन में एडमिट करवाई थी। यहाँ पे भी पिलो हो गया, ज्यादा तबीयत बढ़ती चली गई, इन्फेक्शन हो गया बीमारी का और उसकी मतलब ही आज डेथ होगी। चाडा चढ़िया जी, बहुत ही तगड़ा। इसको 3-3, 4-4 रिजाइया में डालनी पड़ी जी। फिर इन्होंने जो पैरासिटापिस वगैरह मिलती है इनको, वो गोली दी जी, अस्पताल से मिलती है वो ले ली तो आराम हो गया। फिर ये काम करने लग गई जी, गाँव का है जिनका काम जी। फिर इसने ठीक होगी जी, फिर होगा जिसको ऐसा है। पानीपत के गांव अटावला की रहने वाली कविता को बतौर हेल्थ वर्कर ये वैक्सीन लगाई गई थी। जिस निजी अस्पताल में आशा वर्कर कविता की मौत हुई उसके पीआरओ का कहना है, इनकी कंप्लेंट थी, ये इनको पेट में दर्द और वॉमिटिंग से आए थे और उनका बीपी अनरिकॉर्डेबल था जिसके लिए हमने इनको एडमिट किया था और ये उसके लिए इनका ट्रीट हुआ और इनको बेसिकली ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ये थे, तो ये वेंटी पर थे। अब जो आज इनका ट्रीटमेंट, हर चीज़ पूरी की गई है, सारा ट्रीटमेंट जो एज पर प्रोटोकॉल सारा ट्रीटमेंट है सब दिया गया, बट आज अभी दोपहर में ये एक्सपायर हुए हैं। इस घटना के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग का कोई भी डॉक्टर अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। शव के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद ही कुछ सामने आ सकता है। अभी एक्सपर्ट्स की राय भी ली जा रही है, पुष्टि का इंतजार है, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।